वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल और आप सब कैसे हैं, आपकी फैमिली फ्रेंड्स कैसे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का टॉपिक है, मैं लेकर आई हूँ अपने PR पार्सल, एक बॉक्स अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ मैं आज उसमें, और दिखाने वाली हूँ आप लोगों को कि क्या आया है मेरे पास और क्या क्या आया है और किस टाइप का आया है और किस लिए आया है। पूरा आज मैं डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ आपको। और प्रोडक्ट्स आए हैं, हम ये प्रोडक्ट कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो आज ये पूरा डिटेल में वीडियो बनेगा, तो इस वीडियो को पूरे से पूरा देखें। एंड मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। एंड आगे वीडियो में एक इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं अपना दिखा देती हूँ, ये मेरा PR पार्सल आया है इतना बड़े में, तो इसमें अंदर क्या क्या है जो आज मैं आपको शो करने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बॉक्स खोल लेते हैं। तो इसमें अच्छे से इन्होंने एकदम पैक करके भेजा है मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छे से लोग पैकिंग करके भेजते हैं। ये नहीं कि PR पार्सल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फटाफट ऐसे करके भेज दें, नहीं, अच्छे से रैप करके एकदम बहुत नाइसली भेजते हैं। तो हम सबसे पहले इसको निकाल, तो सबसे पहले आया है इसका फेस वॉश, तो हम फेस वॉश की बात कर लेते हैं। ये देखिए फेस वॉश आया है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, फेस वॉश आया है। ये कोरियन ब्रांड है, कोई कोरियन ब्रांड ने मुझे ये भेजा है, कोरिया से तो नहीं आया, आई डोंट नो कोरिया से आया कहाँ से आया, बट मुझे नहीं पता, बट मुझे ये कोरियन ब्रांड ने ही भेजा है, इतना मुझे ये पता है। प्योर ओरिजिनल, इसमें लिखा है प्योर ओरिजिनल, ठीक है, एंड नेचुरल जूजू लेमन फ्रॉम कोरियन, कोरियन ही ब्रांड है ये गाइस, कोरियन ब्रांड ही है, क्योंकि सब कुछ इसमें लैंग्वेज भी थोड़ी ना कोरियन भाषा में लिखी हुई है, इंग्लिश में भी लिखी हुई है, एंड हिंदी तो है ही नहीं इसमें, एक कोरियन है और इंग्लिश है, तो ये, और इसमें लिखा भी है कोरियन विटामिन सी फेस वॉश ब्राइटनिंग बूस्टिंग फॉर नेचुरल ब्राइटनेस विद डीप क्लींजिंग एंड विटामिन सी। तो अब इसके हम अनबॉक्स कर लेते हैं, अभी तक ये मैंने देखिए खोला भी नहीं है। अभी जस्ट खोला है और इसमें फेस वॉश है, नाइस इसका स्मेल है। तो ये देखिए एक जेल फॉर्म में आया है, बिल्कुल जेल, आप देख सकते हैं पूरा जेल फॉर्म में है ये, एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी, तो हम ट्राई करते हैं आपके सामने ही। वाओ नाइस, जेल फॉर्म वाले ना इस टाइम पे, मतलब जो समर होता है ना, समर में बहुत अच्छे होते हैं ये जेल वाले। क्रीम वाले हमें यूज़ नहीं करने चाहिए फेस वॉश, जेल वाले ज़्यादातर ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। तो ये देखिए आपके सामने फेस वॉश कर रही हूँ मैं, एंड इसमें ना छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, डायमंड पार्टिकल्स जैसे होते हैं ना उस टाइप में, तो गाइज ये देखिए मैं आपके सामने ये फेस वॉश कर रही हूँ, और ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने आई फेस पे कोई आइस लगा रही हूँ मैं, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब ठंडा ठंडा, इतना ठंडा लग रहा है ना मेरा फेस, ऐसा लग रहा है कि बस मैंने कोई आइस रख दिया अपने फेस पे, या मैंने आइस में अपना फेस डुबा दिया, इतना ठंडा लग रहा है। और इतना स्मूथ है ये फेस वॉश, इतने अच्छे से डीप क्लींजिंग हो जाएगी इससे, मेरे मतलब ये अंदर से भी गंदगी निकाल देगा बिल्कुल, एंड सच में ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड बहुत ज़्यादा इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं जो एज आपके स्क्रब भी हो सकता है, एंड इसमें डायमंड पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे डायमंड पार्टिकल्स जो नहीं होते, तो मुझे तो पर्सनली ये अच्छा लग रहा है। अभी तो मैं एक फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ आपके सामने, बट मुझे अच्छा लगा है। ये देखिए ये अंदर तक क्लिनजिंग कर रहा है मेरी, एंड ये मेरी पूरी डस्ट निकाल देगा। मैं इसको वॉच करके आती हूँ एंड फिर आप मेरा ये रिजल्ट देखें कि क्या होता है। तो यार मैं अभी फेस वॉश करके आई हूँ अपना, और अब मैं इसको देखिए
सो कर रही हूँ और देखिए इतना मतलब ये इतना मतलब एकदम चिट्टा वाइट लग रहा है, एकदम फेस एकदम वाइट वाइट लग रहा है सारा। मतलब एक तो उसने टैनिंग थोड़ा हटा दिया है और एकदम सॉफ्ट हो गई है स्किन, ऐसे जैसे कोरियन वालों की होती है ना, कोरियन लोगों की सॉफ्ट सॉफ्ट, ऐसे ही मेरी सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई है। तो ये फेस वॉश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, लव दिस फेस वॉश बहुत ज़्यादा। इसने मेरी स्किन को एकदम बहुत अच्छे मॉइस्चराइज मतलब एकदम स्मूथ कर दिया है और इसने सच में डीप क्लींजिंग की है इसने, मतलब इतना पता चल रहा है मुझे क्योंकि बहुत स्किन सॉफ्ट हो गई है। एंड डीप क्लींजिंग तो ये इसमें लिखा हुआ है कि डीप क्लींजिंग करेगा एंड नेचुरल ब्राइटनेस देगा, तो इसने मेरी ब्राइटनेस दे दी है चेहरे पे। वाओ मुझे पसंद आया है, मुझे सच में पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, हमारा है सीरम। तो सीरम आया है इस ब्रांड का ही, सेम ही यही ब्रांड है। एंड अब इसकी अनबॉक्स कर लेते हैं। मैं MRP आपको बता दूंगी साथ के साथ, बट ये आपको यहाँ मिलेगा आई डोंट नो, तो आप बाय कर लेना। इसका है 180 रुपीस का ये सीरम है, बट ये निक्का सा सीरम है, बहुत छोटू सा, देख सकते हैं आप, बहुत छोटू सा सीरम है। बट इसको हम ट्राई करते हैं। यार ये सीरम लगा के ऐसा लग रहा है कि मैंने बस कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज ज़्यादा, एक तो इसने मेरे ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा वाला नहीं है ये, मतलब एकदम स्किन के अंदर एग्जॉर्ब होने वाला है, ये एकदम एग्जॉर्ब हो जाता है। तो जल्दी से फोरहेड पे भी लगा लेंगे, नोज पे भी आएंगे, जल्दी से हम अपने फेस पे इसको रब कर लेंगे। एंड ये देख सकते हैं, तो यार ये तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा एंड एकदम से ये अंदर चला गया, बूस्ट हो गया, मतलब अंदर घुस गया है मतलब स्किन पे ना, तो मतलब अच्छा लग रहा है ये। मतलब इसने मेरे फेस को कोई चिपचिपापन भी नहीं किया, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है और कोई चिपचिपा नहीं हो रहा, मतलब ऐसा चिपक नहीं रहा, बहुत मतलब सॉफ्ट हो गई है स्किन, तो अच्छा है यार ये भी सीरम बहुत अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। और अब दिखाते हैं, एक सेकेंड बंद करके रखू ना। हाँ तो थर्ड प्रोडक्ट है मेरा ये कोरियन नहीं विटामिन सी सीरम क्रीम है, तो आई विल ट्राई इट, इसको भी ट्राई करते हैं हम। तो ये इस टाइप में आएगी, एक छोटी सी बॉक्स में, ठीक है। एंड इसमें लिखा हुआ है विटामिन सी सीरम क्रीम ब्राइटनिंग्स बूस्टिंग विथ, इसमें विथ PF भी है, SPF भी है एंड ऑयली फ्री फ्रीशनेट, क्या लिखा है एक तो उसमें ना लैंग्वेज थोड़ी सी ना उसमें लिखी हुई है, मतलब कोरियन टाइप में, तो पूरा कोरियन में ही है ये। 120 रुपीज ये है, नहीं 120 की नहीं 199 की, मतलब 200 रुपीज की है। एंड इसमें लिखा हुआ है विथ SPF ऑयली फ्री लिखा हुआ है इसने, फिनिश ऑयली। तो इसको हम खोल लेते हैं, ठीक है कि खोल, जैसे गार्नियर की क्रीम नहीं होती उस टाइप में मुझे ये क्रीम लग रही है। और हम इसको अपने फेस पे थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा है वो उसके अंदर ही डाल देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा सी आ गई है, बहुत अच्छी क्रीम लग रही है। अब इसको अंदर लगा के देखते हैं तो फेस पे, सच में यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, यार ये पूरा किट अच्छा है इसका, ऐसे ही चिपचिपे, मतलब समर्स के लिए अच्छे हैं यार सीरियसली।
मतलब ये कोई चिपचिपापन नहीं कर रहे हैं, जैसे चिपचिपा होता है ना वैसा कोई स्किन नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑयली वाला टाइप का होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे यार, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यार ये सच में। मतलब अगर ये अमेज़ोन पे यार मिल रहा हो ना, अमेज़ोन, नाइका या पर्पल या किसी भी ब्रांड पे, तो प्लीज़ आप इसको बाय ज़रूर करना, बहुत अच्छा है। लास्ट प्रोडक्ट है मेरा ये विटामिन सी सीरम विद इन लोशन, लोशन भी है और सीरम भी है, विद ब्राइटनिंग बूस्टिंग डीप मॉइस्चराइजिंग और ब्राइटनिंग विद प्योर विटामिन सी सीरम, ठीक है। तो इसको हम ट्राई करते हैं आप, ठीक है। और इसका बोतल देखिए कितना क्यूट सा है, मतलब यार क्यूटी क्यूटी सा लग रहा है। तो हम ये इसको अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि पहले हम फेस पे लगाते हैं यार। ये भी कितना अच्छा है, मतलब प्रोडक्ट तो सारे ही अच्छे हैं इसके। मतलब ये लगाया ना थोड़ा सा तो इसमें लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा अपने आपके स्किन को एकदम सॉफ्ट कर रहा है और स्मूथ भी कर रहा है, बट इसमें ये नहीं है कि चिपचिपाहट नहीं है, जैसे चिपक जाता है ना चेहरा वो नहीं है, वो मतलब बहुत स्मूथ कर दिया है इसने स्किन को। ऐसी एक मेरी एक क्रीम है बायोडर्मा की, वो भी बहुत अच्छी है, आई लव दिस ब्रांड। तो अब हम ये अपने थोड़े से मैं आपको बॉडी पर भी लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। ले लिया ये मैंने अपने हैंड पे और ये मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ यार, ये तो सच में बहुत अच्छी है। यार ये सच में इतने अच्छे प्रोडक्ट है, मैं बिलीव नहीं कर पा रही कि मतलब यार कोरियर वाले, हम सोचते हैं ना कोरियन वाले लोग कितने गोरे चिट्टे होते हैं, तो वो ये सब प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तभी तो होते हैं यार। तो मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं यार ये सब प्रोडक्ट। अगर आप लोगों को बाय करना हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये देखिए 4 आए मेरे पास टोटल 4, बट प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। अगर मुझे ये कहीं भी मिलेगी तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूँगी या बायो में लिंक डाल दूँगी, बट आपको कमेंट करके पूछना तो पड़ेगा ना मुझसे, ठीक है। तो यही मेरे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं जल्द से जल्द, तो आप मुझे सपोर्ट करें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके बाय।